अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ GT5 पाकिस्तान। तो भाई इलेक्शन सीरीज में हमारे पास अपडेट न्यूज़ ये है कि ट्रेवर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर लिया है और इस बार जो GT5 में इलेक्शंस होंगी तो ट्रेवर एक बार फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा। तो इलेक्शन हमारा बहुत ही करीब आ रहा है और अब से जो है तो भाई इलेक्शन कंपेन्स का आगाज़ भी हो गया है और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ट्रेवर ने जो कि रीजॉइन किया है तो अपने इलाके में उसका एक छोटे से एक कन्वेंशन होगी और अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। तो काफ़ी जो है तो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेवर का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग जो है तो ट्रेवर का इंतज़ार कर रहे हैं, उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ्लैग लगे हुए ट्रेवर की गाड़ी पर, ट्विटर पराडो पर आप देख सकते हैं, और तीन गाड़ियों के काफिले में वो रवाना है अपनी मंजिल की तरफ। ये देखिए भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इतने फ्लैग लगे हुए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हम पहुंच चुके हैं भाई इस वक्त अपनी मंजिल तक और जो कि यहाँ ट्रेवर अपने कारकुनों से ख़िताब करेगा और आने वाले इलेक्शन के बारे में उन्हें बताएगा। तो भाई इलेक्शन के हवाले से मैं आपको कुछ बताना पसंद करूँगा कि पिछली मरतबा हमारा जिस तरह इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ था, एक बहुत ही बड़ा और सबसे बड़ा जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही हुआ था मेरे नस्बत, तो वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा जो पिछले इलेक्शन में हमारा कंपेन हुआ था। लेकिन अभी इलेक्शन के बारे में मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई वोटिंग जो होगी वो आप लोग करेंगे और यूट्यूब पर ही मैं पोल बनाऊँगा और आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ वोट करना है। तो आप ही ने अपनी पार्टी को वोट देना है। और इस बार एक और बात है भाई, इम्कान ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अभी उनकी तरफ से कोई उम्मीदवार आया नहीं है और लेकिन जितने भी पार्टीज़ है वो PTI के ख़िलाफ़ मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, ये इम्कान आ रहे हैं। तो देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन अभी के लिए भाई यही इम्कान नज़र आ रहे हैं कि PDM की शक्ल में PTI को एक तरफ रखा जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम जो जितनी भी जमातें हैं वो सारे दूसरी तरफ होंगी। तो इस बार PTI का देखते जाएगा कि माइकल किस तरह मुकाबला करता है। माइकल का भी न्यूज़ कन्फर्म हो गया है कि वो PTI ही से इलेक्शन लड़ेगा, तो फिर देखेंगे। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ आई है तो PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कन्फर्म हो गया है कि भाई वो ट्रेवर और माइकल उनकी तरफ से उम्मीदवार है। तो देखा जाएगा कि इस बार माइकल कैसे इनका मुकाबला करता है, क्योंकि सामने तमाम पार्टीज़ इकट्ठी होंगी, PTI होगी और दूसरी तरफ PDM होगा। तो देखा जाएगा कि PTI कैसे उनका मुकाबला करती है। तो भाई आने वाली वीडियो में मैं किसको PTI के जलसा करूँ या नून लीग का, ये आपने मुझे बताना है। और ये तो एक छोटी सी कन्वेंशन थी, आगे आप देखेंगे कि किस तरह ये करेक्टर्स अपनी कंपेन लड़ते हैं। तो अभी मैं अभी आपको लेके चलूँगा जो कि पिछले इलेक्शन में हमारा एक PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ था उसकी तरफ मैं आपको लेके चलूँगा और फ्लैशबैक में मैं आपको लेके चलूँगा। तो बहुत ही मज़ा आया था भाई, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। और ये था आज का एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे अपने दोस्तों के साथ साथ जो है तो शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा है।